सभी so, को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि जब से भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफी ज्यादा हंगामा है तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की बड़ी ही मजेदार वीडियो जिसमें आप देखेंगे

के हो क्या रहा है फिर बात करना चाहिए जो तो फॉरी रिएक्शन होता है वो अक्सर उल्टा पड़ जाता है लोगों को और फॉरी रिएक्शन नहीं करना चाहिए लेकिन खैर इस इसपे जो है वो भारत की तरफ से भी खामोशी रही गार्डियन की रिपोर्ट के बाद उसके साथ साथ आपने देखा कि ना हिंदुस्तान से कुछ कहा गया ना पाकिस्तान से अब लोग कल पूरा दिन इंतजार करते रहे कि जरूर कोई खबर आएगी फॉरेन ऑफिस की तरफ से और सारा दिन एज अ मीडिया पर्सन और एज अ जर्नलिस्ट खास तौर पे मुझे अब बहुत से लोग जो हैं वो आ, अब हमें यूट्यूबर और इस तरह के कुछ कहने शुरू हो गए लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग जर्नलिस्ट हैं उसके बाद यूट्यूब आता है तो एज जर्नलिस्ट हमारी न्यूज के ऊपर नजर थी मुसल और हम देख रहे थे कि पाकिस्तान क्या क्या करता है है या भारत से क्या कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहली बारी वैसे भी भारत की बनती थी इसलिए एलिगेशन उनके ऊपर लगी थी और उन्हीं को इस बात को क्लियर भी करना था बहर राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कहा कि वही जो हमेशा मोदी जी की सरकार में कहा जाता है कि घुसके मारेंगे तो उन्होंने उसी किस्म के फिर फिर बात की और ऑब्वियसली यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका कहना था कि ऐसा नहीं होगा और अगर हुआ तो पाकिस्तान भी जो है वो जवाब देगा लेकिन बात सारी ये है उन्होंने पायलट वगैरह का भी जिक्र किया पाकिस्तान एतराज किस बात पे कर रहा है ये मेरे लिए बहुत हैरतनाक बात है ऐसा तो पाकिस्तानी मैं समझती हूँ कि आ, वैसे तो पाकिस्तान को खुद ये कार्रवाई करनी चाहिए थी इस तरह के जो टेररिस्ट या ऐसे लोग जो किसी भी कंट्री में जाकर चाहे पाकिस्तान हो या किसी दूसरी कंट्री में जाकर गलत काम करते हैं टेरर फैलाते हैं लोगों की जान लेते हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी और अगर पाकिस्तान यह समझता है कि भारत ने गलत किया है तो फिर पाकिस्तान यह भी बता दे कि अफगानिस्तान में जाके पाकिस्तान किस लिए कार्रवाई कर रहा था उसके साथ ईरान में पाकिस्तान ने जाके जो एयर स्ट्राइक की थी आप कुछ दिन पहले आपको याद होगा ईरान में भी हमने यही कहा था कि जी वहां पर कोई टेरर ग्रुप है जो पाकिस्तान में आके लोगों की जान लेते हैं या टेरर फैलाते हैं हमने उनके ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की थी और अफगानिस्तान में भी हम टीटीपी के ऊपर अटैक करते तो वो सब क्या है अगर वो सही है तो फिर भारत को भी पूरा राइट है कि अगर उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ करता है उनकी कंट्री में आके टेरर फैलाता है तो वो अगर वो कंट्री जिसके अंदर से कोई आ रहा है जा रहा है और नुकसान कर रहे हैं अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर भारत को पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए अपने लोगों को की हिफाजत के लिए वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं मगर ये जरूर है कि इससे मोदी जी को जरूर फायदा होगा इसलिए कि अब पब्लिक सोचेगी कि भाई ये तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं हमारी जान बचा रहे हैं और इस तरह की एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन करने से पहले ये भी क्लियर करना होगा कि वो अफगानिस्तान और ईरान में जो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की थी क्या वो सही थी अगर वो सही थी तो फिर भारत जो कर रहा है मेरे ख्याल वो भी ठीक है अच्छा अगर ये सिलसिला आरजू शुरू हो जाता तो मेरे ख्याल में ये फिर रुकेगा नहीं आ, वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान का आ, इंडिया में हो इंडिया का पाकिस्तान में हो आ, फिर ईरान में या किसी का भी हो आ, लेकिन आ, इतराज इस पे नहीं है कि वो लोग कौन थे बल्कि जो लोग जो इंटरव्यू करने वाले हैं राजनाथ सिंह जी का वो भी ये कह रहे कि जी वो लोग थे वो आम लोग थे या नहीं थे या जैसे भी थे वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप किसी की कंट्री में अगर जाते हैं तो कनाडा को यही तो एतराज है अमेरिका या फाइव आइज को यही तो एतराज है कि अगर आप ये करते हैं ना कि अमेरिका ये कर चुका है पाकिस्तान में कर चुका है उसामा बिन लादन की सूरत में और बाकी चीजों की सूरत में तो इससे ठीक है एक तो इलेक्शन जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने भी एक, एक बात मतलब मुझे उनकी ठीक लगी है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन है और इलेक्शन में इस चीज का फायदा होता है मेरे ख्याल में अवाम पाकिस्तान और इंडिया के अवाम जो मर्जी कह दें लेकिन इन चीजों के हवाले से ना बड़े जज्बाती हो जाते हैं कहते हैं जी बेशक हो सकता है जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं या बाकी लोग हो सकते हैं उससे कुछ अलग चीजें भी हो सकती हैं अच्छा एक चीज आरजू अमेरिका भी क्योंकि गार्डियन की रिपोर्ट में कनाडा का जिक्र हुआ है फाइव आइस का जिक्र हुआ है तो क्या अमेरिका भी कोई प्रेशर क्रिएट कर सकता है इंडिया के ऊपर ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है ठीक है राजनाथ सिंह साहब या बीजेपी को इससे फायदा होगा और हो भी सकता है वो कहेंगे भाई हमारे लोग थे हमारे कश्मीर को इन्होंने गड़बड़ियां मचाई हुई थी और हमने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया वो भी कहां पर पाकिस्तान के अंदर देखिए पाकिस्तान को या कोई भी कंट्री हो उसको एक बार ये तो जरूर सोचना होगा कि अगर आप किसी और कंट्री में जाकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं अटैक कर सकते हैं अपनी कंट्री को लोगों को बचाने के लिए अपनी जमीन को बचाने के लिए चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान हो तो वो सब कुछ आपके लिए ठीक है लेकिन वही काम अगर कोई दूसरी कंट्री करती है चाहे वो अफगानिस्तान हो ईरान हो या भारत हो तो उनके ऊपर आप जो है वो बहुत उन्हें अखिला सिखाना शुरू कर देते हैं कि जी वो तो इंसान थे ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपने बड़ा गलत किया और इस तरह से आके आप हमारे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते मतलब आप जाके किसी के सिटीजन पे अटैक कर सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं कर सकता और जिनको मारा गया वो कौन से बहुत बड़े कोई सोशल वर्कर या बड़े कोई अः जिसे कहना चाहिए कोई ऐसे लोग थे जो लोगों को पसंद हो या लोगों के लिए बड़ी मदद करते हो जाहिर है टेररिस्ट थे और ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट एजेंसी का अपना था कि वो ये काम करते अगर आप वो काम नहीं करेंगे कई बार भारत की तरफ से शिकायत की गई कई बार भारत की तरफ से कहा गया कभी मुंबई अटैक्स हुआ कभी उड़ी हुआ और कई दूसरे हादसे हुए जिसमें उन्होंने बार बार कहा पाकिस्तान की एजेंसीज को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौज को कि जी आपके यहाँ से इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही है इनको रोकिए हम स्टेट के के पर हो गए। कि स्टेट है, हम क्या करें हम तो कुछ नहीं कर रहे यहाँ से नारे लगे गजवाए हिंद के यहाँ से नारे लगे जी कभी किसी बात के कभी कुछ कर देंगे तो ये चीजें तो चली है इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता और उसके बाद अगर आप नहीं रोकेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को बचाने के लिए दूसरी कंट्री हो या कोई भी इंसान हो वो जाहिर है अपने बचाव के लिए इस किस्म के अपने डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज करेगा जहां तक अमेरिका की बात है डेफिनेटली ये चीज भी सभी लोग काफी टाइम से देख रहे हैं कि भारत की जो प्रोग्रेस है खास तौर पे इकॉनमी में और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है किसी से डिक्टेशन नहीं लेते और अक्सर ही उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर uh, जयशंकर वो कह देते हैं कि जी हमारे के मामले में दुनिया ना बोले हम मर्जी जैसे मर्जी अपनी कंट्री को चलाएं तो इस किस्म की बात करने का आ, की हिम्मत या इस तरह की बात करने के लिए हौसला आपको तभी आता है जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो क्योंकि वो किसी से ये नहीं कह रहे कि जी आप हमें जो है लोन दे दीजिए दो बिलियन चाहिए एक मिलियन चाहिए कुछ चाहिए इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहे लेकिन ये चीज डेफिनेटली अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि अमेरिका को एक आदत है कि जी वो वर्ल्ड पावर है और वो हर एक को अपनी मर्जी से चलाता है ऐसे में अगर एशिया से उठकर कोई कंट्री जो है वो नंबर थ्री पे जाने लगेगी इकोनॉमी uh, के हवाले से या उनके किस्म के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे चंद्रयान और कई दूसरे एस सी ओ की मीटिंग्स होने लग जाएंगी उन्हीं की कंट्री में कई बड़े बड़े इवेंट्स होंगे तो ये चीज जो है वो किसी भी ऐसे uh, ऐसी कंट्री के लिए जो पहले से अपने आप को सबका बॉस समझते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा और यही कुछ अमेरिका के साथ हुआ है अब एक तरफ तो अमेरिका दोस्त बना हुआ है भारत का और कह रहे हैं कि दी हम हर जगह पे भारत के साथ हैं हर जगह पे भारत के साथ हिस्सा ले रहे हैं एस में भी हैं दूसरी कई आ, मीटिंग्स में हैं जी ट्वेंटी और कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं लेकिन साथ साथ आ, भारत को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं ऐसा तो हमने नॉर्मल जो आम लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें अपना दोस्त गिनाते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारे खंजर भी मार रहे होते हैं तो यही हाल जो है वो आ, इस वक्त अमेरिका का है कि वो भारत के साथ हर जगह बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है लेकिन हर वो इंसान या हर वो कंट्री जो आपको दोस्त कहती है वो असल में आपकी दोस्त नहीं होती ये भी एक बड़ा कड़वा सच है लेकिन है कि इसी तरीके से हमने देखा कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं भारत को लेट डाउन कर रहा है ये तो अभी गार्डियन की रिपोर्ट आई पाकिस्तान के बारे में लेकिन उससे पहले अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया जब खालिस्तान मूवमेंट चल, चला करती थी अभी भी चलती है लेकिन ये कि उसमें जो वो पुन्नू चुन्नू क्या नाम है उसका वो रोहित शर्मा का दोस्त रोहित ने मुझे मार देना तो वो रोहित शर्मा और जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके शो में खैर हम उनको तंग करते रहते हैं मगर ये कि उसके ऊपर भी अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया था भारत का साथ नहीं दिया था हालांकि वो जो कैरेक्टर एक है बंधु आपने देखा कि वो बिल्कुल पब्लिक में खड़े होकर कभी कहता है पार्लियामेंट की बिल्डिंग उड़ा दूंगा कभी कहता है मैच नहीं क्रिकेट मैच नहीं होने दूंगा कभी कुछ तो वो लेकिन उसके ऊपर अमेरिका कुछ नहीं कहता कि जी ये गलत है आप किसी कंट्री को ऐसे नहीं कह सकते लेकिन हाँ जब बात आई तो जी उसको जान समझने की कोशिश की जा रही है तो खालिस्तान मूवमेंट को ये किया जा रहा है उसमें जरूर अमेरिका ने बोला मेरे ख्याल है भारत को उस वक्त ही थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए था और समझना चाहिए था कई हमारे पास गेस्ट भी ऐसे आए जिनसे मैंने ये बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया बड़े बड़े समझदार लोग आए उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और अमेरिका हमारा दोस्त है अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं कर रहा और यही चीज जो है वो आपको लाइफ में जो है ना वो नुकसान पहुंचाती है चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल्स हो अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर और आप ये समझते हैं कि मेरी तरक्की से या मेरी मेहनत से जो मैं पोजिशन में ले रहा हूँ या ले रही हूं या कंट्री को ले रही है तो उससे आपके जो दोस्त हैं बड़े खुश हो रहे होंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत होती है और मैंने तो खैर बहुत भुगता हुआ इस चीज को तो इसलिए मैं तो बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि ये चीज ऐसी नहीं होती है मगर हाँ ये जरूर है कि जिस तरह कि हमने की हमने पीएम मोदी की गवर्नमेंट को देखा है उनके कामों को देखा है तो लगता है सही है कि वो इसमें से भी आसानी से निकल जाएंगे वैसे तो अभी उनको फायदा ही होगा इसलिए कि उनकी पब्लिक तो यही सोचेगी कि जी मोदी जी हमारे लिए देखो पाकिस्तान दोस्तों आशा करता हूँ देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी के व्यूज और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जल्दी भारत पीओके भी ले लेगा और पाकिस्तान में घुसके मारेगा तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत